शरद सर, अभी के हालात में क्या जो एक हमने इकोनॉमिक इंजरी उनको दी डिफेंस के साथ, वो वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान कर गई या सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, एक सोच है ये? निशान, दो तरीके की ठंड लगी चाइना को। एक ठंड तो लगी बॉर्डर पर, फिंगर्स के ऊपर जहां से वो पीछे हटा। दूसरी ठंड जो लगी है निशान, वो लगी है कि बिजनेस उससे भारत का जो था, जिस जो भारत को वो मार्केट देखता था, वो ठंडी पड़ गई। मुझे लग रहा है दोहरी ठंड की मार लगी है। और जो जो यहाँ पर आत्मनिर्भर का नारा बढ़ता गया, जो जो यहाँ पर आत्मनिर्भर की चर्चा बढ़ती गई, त्यों त्यों चाइना का जीना दुर्भर हो गया आर्थिक दृष्टि से। मेरा अपना अनुमान है निशान कि खाली एक कंपनी ले हम बाइट डांस, जिसमें 250 से ऊपर चाइनीज ऐप बैन की गई है, उसमें से बाइट डांस एक है जो कि टिकटॉक वगैरह चलाती थी, केवल और केवल उसकी वैल्यूएशन करीब करीब $6 बिलियन से ऊपर का उसको नुकसान हुआ है। अगर आप सारी 259 ऐप जोड़ दें निशान, मेरा अपना आकलन है, हालांकि ये रिकॉर्ड पे फिगर नहीं आई है क्योंकि शेयर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, मेरा अपना आकलन है कि 30 से 50 बिलियन डॉलर का चाइना की कंपनीज का वैल्यूएशन लॉस हुआ है। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब आप लगाइए 7,250 करोड़ का $1 बिलियन होता है। आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए कि हम कितने बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है चाइना के ऐप बैन हुई। शरद सर, आप मेरे साथ बने रहिए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।